हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेस्करा शाहपुर में। तो चलिए इस वीडियो में आज बात करते हैं कि रेलवे भर्ती परीक्षा 2022 एनटीपीसी ग्रुप डी एंड अदर एग्ज़ाम के लिए आगामी खेल आयोजन स्थल वर्ष विजेता और उपविजेता 2021 और 2022 का हम लोग लेके आए हुए हैं। तो आप लोग देखिए कि स्पोर्ट का जितने भी क्वेश्चन आप लोग को 2021 और 22 में हुआ है खेल, तो सारे हम लोग क्वेश्चन को हम लोग लेके उपस्थित होंगे। और इसमें आज हम लोग सेट वन के साथ उपस्थित हुए हैं और आगे भी इस तरह का वीडियो हम सेट टू थ्री इस तरह से हम लाते रहेंगे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग को स्टैटिक जीके और करंट अफेयर लेके आए थे, उसके बाद फिर आज स्पोर्ट का लेके आए हैं, फिर अगले दिन हम अवार्ड का लेके आएंगे पुरस्कार का, और इसी तरह हम वीडियो को डालते रहेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम तक। तो आप लोग को बता दें कि जितने भी एग्ज़ाम आगामी होने वाले हैं इसमें ज़रूर आप लोग को ये क्वेश्चन छपा हुआ ज़रूर मिलेगा और मेरिट तक पहुंचाने में ज़रूर कारगर ये होगा ये सब क्वेश्चन। तो आप लोग ये क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा दोस्त, दो नंबर से ही मेरिट से पास रह जाता है बहुत सारे कैंडिडेट, तो ये यही दो नंबर आप लोग को मेरिट का सेट ज़रूर कराएगा। तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं बनाएंगे, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, तो 5 से 7 मिनट समय निकाल कर वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कंटेंट कैसा है कमेंट में, किस तरह का वीडियो लगा आप लोग को। तो चलिए क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? ये इंडोनेशिया में होगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में की गई। नेक्स्ट है, किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? ये पीवी सिंधु ने जीता है। उप विजेता है मालविका वनसोड। नेक्स्ट है, ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? ये स्मृति वंदना को चुना गया है। नेक्स्ट है, किसने 9वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियन जीती है? ये जीती है लद्दाख ने, उप विजेता चंडीगढ़ है, आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल से सम्मानित किया गया है? ये परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा जी को। नेक्स्ट है, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ये जीता है जापान ने, उप विजेता दक्षिण कोरिया है, और भारत तीसरे स्थान पर है, आयोजन जापान में किया गया था। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एस्ले वाटी ने जीता है महिला में, और पुरुष में जीता है राफेल नडाल ने। नेक्स्ट है, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये उन्नति हुड्डा ने जीता है, और पुरुष में किरण जॉर्ज ने जीता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है हॉकी के गोलकीपर है PR श्रीजेश। नेक्स्ट है, लॉरियस अवार्ड पुरुष 2021 का खिताब किसने जीता है? ये राफेल नडाल ने जीता है, और महिला में जीता है नोआमी ओसाका ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? यह नीरज चोपड़ा जी को किया गया है। नेक्स्ट है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? ये की है आरिफ खान ने, और बीजिंग शीतकालीन का जो शुभंकर है ये है विंग ड्वेन ड्वेन। नेक्स्ट है, 2022 को भारत ने 5वीं बार क्रिकेट अंडर 19 में किसे हराकर जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीत लिया है, और इसके कप्तान थे यश धूल। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार क्रिकेट अंडर 19 कब जीता था? तो ये 2000 ईस्वी में जीता था, कप्तान थे उस समय मोहम्मद कैफ। नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब
किसने जीता है, किस देश ने जीता है, तो ये सेनेगल ने जीता है, वो भी जीता है मिस्र। नेक्स्ट है, किस देश ने 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब जीता है, तो ये जीत लिया है चीन ने, वो भी जीता है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, IPL 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या है, यह है गुजरात टाइटंस, कप्तान है हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है, 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है, यह जीता है हरियाणा के, हरियाणा ने जीत लिया है पुरुष टीम, और महिला में केरल ने जीता है। नेक्स्ट है, 2022 में किसने 2021 फीफा वर्ल्ड सॉरी 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है, ये जीता है चेल्सी क्लब ने, आयोजन हुआ था UAE दुबई में। तो यह कंटेंट आप लोग को कैसा लगा इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे भी इस तरह का हम वीडियो लाते रहेंगे। और आज सेट वन था, सेट टू के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, और अवार्ड का भी इसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे अवार्ड का लाएंगे, उसके बाद फिर स्टैटिक जी के, उसके बाद फिर खेल का, इस तरह से हम वीडियो को डालते रहेंगे NTPC एग्ज़ाम तक। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ ग्रुप में, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो होगा आप लोग को पहुँच जाएगा। तो मिलेंगे सेट टू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।